गुड इवनिंग बच्चों, आज का एक न्यू टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ ज्वाइन किए हैं। तो आज का मेरा न्यू टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों के प्रकार। तो ये क्लास फोर के लिए है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखिए फ्रैक्शन का अगर डिफिनेशन अगर चाहिए ना गाइस, तो डिफिनेशन तो हर बुक एंड हर जगह अवेलेबल रहता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं, अगर कहोगे तो डिफिनेशन भी लिखेंगे लेकिन थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, तो मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहाँ पे दूंगा। लाइक फ्रैक्शन, देखिए अगर टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन तो देर आर सेवन टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। आइए इन सभी फ्रैक्शन को एक एक एग्जांपल के माध्यम से सीखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे चॉइस कर लेते हैं लाइक फ्रैक्शन। तो देखिए लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं, तो लाइक फ्रैक्शन का मतलब न्यूमरेटर क्या हो, इक्वल हो, क्या हो, न्यूमरेटर इक्वल हो, उसे हम लोग लाइक फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। यानी कि देखिए हमारा यहाँ पे एग्जांपल तैयार हो चुका है। ये आपसे अगर ऑप्शन में पूछ दिया जाए कि लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं, तो बोलेगा द न्यूमरेटर इज सेम इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। अच्छा चलिए इसे डिफिनेशन को तो हम लोग नहीं चलते हैं, हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो लाइक फ्रैक्शन कहने का मतलब, जब भी आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज लाइक फ्रैक्शन, तो बोलिए कि न्यूमरेटर इज इक्वल इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। यानी कि जब भी न्यूमरेटर देखिएगा इक्वल है तो कहिएगा कौन सा फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन। तो हमको उम्मीद है कि आपको लाइक फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। एंड वहीं पे जस्ट ऑपोजिट है कि अनलाइक फ्रैक्शन, तो कहिएगा कि डिनोमिनेटर डिफरेंट, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिफरेंट इज कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। कहिए कि अगर देखिए यहां पे समझ जाए, देखिए 2, 6, 4, 3, ठीक है। चलिए यहां पे हमने लिख दिया, एड कर देते हैं। देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर और यहाँ पे डिनोमिनेटर, देखिए इन सभी का डिफरेंट है, तो जब भी डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दिखे तो कहिएगा अनलाइक फ्रैक्शन। कौन फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं थर्ड पे, क्योंकि ये बेसिक दोनों कॉन्सेप्चुअल था, इसीलिए हम दोनों को एक साथ लेकर चले हैं। चलिए अब थर्ड जो है यूनिट फ्रैक्शन। कौन फ्रैक्शन गाइस, यूनिट फ्रैक्शन। तो जब भी देखिएगा न्यूमरेटर में वन क्या है, वन क्या है, वन, तो कहिएगा कि या भैया कौन फ्रैक्शन हो गया, यह यूनिट फ्रैक्शन हो गया, कौन फ्रैक्शन हो गया, तो ये हो गया आपका यूनिट फ्रैक्शन का एग्जांपल। जब भी देखे न्यूमरेटर इज वन तो कहिएगा क्या, यूनिट फ्रैक्शन। कौन फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन। तो हमको उम्मीद है कि यूनिट फ्रैक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं फोर्थ पे है प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आइए प्रॉपर फ्रैक्शन को भी हम जान ले। देखिए मैं डिफिनेशन किसी का भी बता नहीं रहा, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉन्सेप्चुअल यह है कि डिनोमिनेटर, कौन नोमिनेटर, डिनोमिनेटर से नोमिनेटर छोटा होगा। भाई क्या होगा, डिनोमिनेटर से नोमिनेटर ऑलवेज छोटा होगा, क्या होगा, छोटा होगा। तो इस तरह के फ्रैक्शन को हम लोग कौन फ्रैक्शन कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। लेस देन नोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर से ऑलवेज न्यूमरेटर क्या रहेगा, छोटा रहेगा, तो उसे हम लोग कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। अब उसके जस्ट नाउ आता है, ये दोनों रिलेटेड है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जब भी इम्प्रॉपर दिखे तो कहिए कि प्रॉपर में डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बड़ा, तो इम्प्रॉपर में गाइस, इम्प्रॉपर में आपका क्या होगा, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बड़ा। बस इसको जस्ट ना अपोजिट कर दीजिए ना, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर कर लीजिए, हो गया यह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल। देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर ऑलवेज बड़ा है, यहाँ भी बड़ा है, यहाँ भी बड़ा है, यहाँ भी बड़ा है, तो इस तरह के फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमको उम्मीद है कि आपको इम्प्रॉपर भी समझ में आ गया होगा। एंड हमारा सिक्स नंबर पे आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। कौन फ्रैक्शन, आइए तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को भी फटाफट हम जान लें। सिक्स नंबर पे आता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। कौन फ्रैक्शन दोस्तों,
कौन फ्रैक्शन दोस्तों? मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब होता है, देखिए जिस यह इस तरह से जैसे ही कहीं आपको एग्जांपल दिखे तो कहिएगा भैया गड़बड़ाओ नहीं, यह तो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन का एग्जांपल है। क्या है? 7 integer 8 by 6, ये कौन सा फ्रैक्शन है? ये भैया मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन भी आपको, हमको उम्मीद है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन भी समझ में आ गया होगा। एंड 7 नंबर पे आता है रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। कौन फ्रैक्शन? 7 नंबर पर आता है रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। तो देखिए रेसिप्रोकल फ्रैक्शन बहुत इजी है, बस 7 by 3, बस इसको कर लीजिए नीचे, नीचे को कर लीजिए ऊपर, यानी कि डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में, बस इसको कर लेना, 3 है ऊपर 7 नीचे, ये हो गया आपका रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। एक और इसी तरह से एग्जांपल हम लोग देखते हैं। देखिए जैसे हमने लिखा 3 by 8, बस इसको उलट के पलट दो, 8 को कर लो ऊपर एंड 3 को कर ले नीचे, तो ये आपका हो गया रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। तो हमको उम्मीद है कि इन सभी फ्रैक्शनों को आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स तरीके से एग्जांपल के देख माध्यम से हम समझा चुके हैं। तो आइए 2-3 ऐसा एग्जांपल हम दे देते हैं जो आपको होमवर्क के तौर पर एच वर्क रहेगा, और उसको कमेंट में आपको आंसर बताना है कि यह कौन सा फ्रैक्शन है। ठीक है, चलिए तो आइए फटाफट यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखने का कोशिश करता हूँ, और आपको कमेंट में दोस्तों बताना है कि यह कौन सा फ्रैक्शन है। देखिए कंजूसी नहीं कीजिएगा, एक यहाँ पे मैंने दे दिया है आपको एच वर्क, सी फॉर कमेंट में बताना है। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल क्वेश्चन दिया है, आपको इसको कमेंट में जरूर बताना है, तभी तो हम समझेंगे कि आप सीखे हैं या नहीं। तो आज के रहा बस यही वीडियो, ठीक है, इसपे 2 क्वेश्चन है और बस आज का रही वीडियो। ठीक है, कैसे लगा ये वीडियो? जैसा भी लगा होगा आप कमेंट में बताना ना भूले। फिर मिलते हैं ऐसी नई धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।